थ्रॉटल को एकदम हल्का सा घुमा के रखना है और एक पोर्शन पे आके उसको होल्ड करके रखना है, फिर जो है हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। देखिए गाड़ी आगे बढ़ रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू द चैनल माजी मोटो ब्लॉग वन सेकेंड विद अ न्यू राइडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाइक कैसे चलाया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो जो है मेरे चैनल पे बन चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हो। क्लच को कब कहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है, ब्रेक को कहाँ पे कैसे दबाना है और गियर शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग वीडियो में मैंने दिखाया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि थ्रॉटल को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जो न्यू राइडर है, जो बिगिनर है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है थ्रॉटल को कंट्रोल करना। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम बिगिनर्स के साथ देखने को मिलता है वो है, बाइक को जब इनिशियली जब स्टैंडिंग पोजीशन से रनिंग पोजीशन में ले जाते हैं, यानी कि बाइक को स्टार्ट करके क्लच दबा के जब फर्स्ट गियर में डाल के थ्रॉटल को घुमाते हैं और क्लच को छोड़ते हैं, तो बाइक का स्टार्ट जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि थ्रॉटल को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। और सेकंड जो प्रॉब्लम बिगिनर्स के साथ होता है वो है थ्रॉटल को कुछ लोग बहुत ज़्यादा अचानक से घुमा बैठते हैं और स्पीड जो है बाइक अचानक से पकड़ लेता है और बाइक इधर उधर भागने लगता है और बाइक जाके कहीं पर गिर जाता है। और थर्ड जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है कुछ बिगिनर्स के साथ, क्या होता है कि थ्रॉटल को जो एक सर्टन पोर्शन के बाद और ज़्यादा घुमा नहीं पाते, मतलब कि बाइक जो है एक सर्टन स्पीड के बाद उससे ज़्यादा स्पीड में बाइक को चला नहीं पाते। तो थ्रॉटल को लेकर सारा जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी दिक्कतें हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ। और ख़ास करके जो बिगिनर है, जो न्यू बाइक चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देख लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि थ्रॉटल को कंट्रोल करने के टाइम कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं और उसके बाद मैं बाइक प्रैक्टिकली चला के दिखाऊंगा कि कैसे कंट्रोल करना है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि थ्रॉटल को पकड़ने के टाइम कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं, क्योंकि सही से पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं अपना ग्लव्स उतार देता हूँ, क्योंकि ग्लव्स पहने हुए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो न्यू राइडर है, जो बिगिनर है, वो क्या करते हैं, थ्रॉटल को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। इस तरीके से मतलब कि हाथ को थोड़ा ऊपर करके पकड़ते हैं। और इस तरीके से पकड़ने से क्या होता है, जब आप बाइक चलाते हो तो थ्रॉटल जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा घूम जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बाइक इधर उधर भागने लगता है और आउटपुट ज़्यादा मिलने की वजह से बाइक जो है एकदम से स्पीड पकड़ लेता है और कहीं पर भी घुस के एक्सीडेंट कर सकता है। तो थ्रॉटल को जो है कभी भी इस तरीके से पकड़ना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल गलत तरीका है इसको इस तरीके से पकड़ना। तो ये तो हो गया एक गलत तरीका थ्रॉटल को पकड़ने का, बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से गलती कर देते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं थ्रॉटल को पकड़ने के टाइम, वो है कुछ इस तरीके से थ्रॉटल को कुछ लोग पकड़ते हैं, एकदम नीचे करके हाथ को थ्रॉटल को पकड़ते हैं। तो जब आप इस तरीके से थ्रॉटल को पकड़ते हो तो दिक्कत क्या होता है, बाइक चलाते टाइम एक सर्टन स्पीड के बाद जो है आप और थ्रॉटल को घुमा नहीं पाते और बाइक और ज़्यादा स्पीड नहीं ले पाता, क्योंकि हमारा रिस्ट जो है ऑलरेडी बहुत नीचे पकड़ा हुआ होता है। तो ये भी तरीका एकदम बिल्कुल गलत है। और इससे क्या होगा, जब आप कुछ देर के लिए बाइक चलाओगे तो आपका हाथ जो है वो पूरा दुखने लगेगा। और एक बात, जब आप इस तरीके से पकड़ते हो तो आपका जो उंगलियों का रीच है वो आपके ब्रेक तक नहीं पहुंचता और सही तरीके से जो आप टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाओगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सही से ब्रेक नहीं लगा पाओगे, तो ये भी एक बहुत ही दिक्कत बन जाता है। तो ये भी तरीका जो है एकदम बिल्कुल गलत है, इस तरीके से कभी भी जो है थ्रॉटल को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, कुछ लोगों को आदत होता है कि थ्रॉटल को जो है एकदम से साइड में पकड़ते हैं, ये भी तरीका एकदम बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, थ्रॉटल को एकदम बहुत अंदर तक पकड़ते हैं, तो ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। तो थ्रॉटल को हमें पकड़ना कैसे है, देखिए दोस्तों, थ्रॉटल को एकदम मिडिल पोर्शन में हमें पकड़ना है और इस तरीके से हमें पकड़ना है ताकि हमारा हाथ एकदम सीध में रहे और क्या, हमारा जो हाथ का जो पल्म है वो थ्रॉटल के ऊपर रहे और दो उंगली हमेशा सामने के लिए फ्री रहे, बस साइड का दो उंगली जो है वो हैंडल के थ्रॉटल के ऊपर ग्रिप बना रहने के लिए और सामने का जो दो उंगली है वो सामने की ब्रेक दबाने।
क्योंकि दो उंगलियां जो है काफ़ी होता है दोस्तों सामने की ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए। मैं हमेशा से दो उंगलियों का इस्तेमाल करता हूँ सामने की ब्रेक दबाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं एक उंगलियों से भी कंट्रोल करते हैं, वो भी सही है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं चार उंगलियों से ब्रेक दबाते हैं, ये भी तरीका एकदम बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि चार उंगलियों से जब आप ब्रेक दबाते हो तो कहीं पर भी ब्रेक जो है अचानक से लग जाने से बाइक जो है गिर सकता है, बाइक लॉक हो जाएगा और गिर जाएगा। तो कभी भी चार उंगलियों से ब्रेक मत दबाओ। इसके रिगार्डिंग भी मेरे चैनल वीडियो है, अगर आपने देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो हो गया कि थ्रॉटल को किस तरीके से पकड़ना है, अभी बात करेंगे कि थ्रॉटल को किस तरीके से कंट्रोल करना है। जो न्यू राइडर है उसके साथ दिक्कत क्या होता है, वो थ्रॉटल को कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा घुमा बैठते हैं, कभी कभी जब कम करना चाहते हैं तो बहुत एकदम से पूरा जीरो कर बैठते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस हमें करना है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ जो है वो हमें समझना है। जब हम न्यू बाइक चलाना सीख रहे हैं तब हमें क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं थ्रॉटल को ऐसे 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 करके घुमाते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। सही जानकारी ना होने की वजह से वो ऐसा करते हैं कि थ्रॉटल को जो है इस तरीके से ऐसे 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 करके कभी बाइक नहीं चलाया जाता, कुछ लोग करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें थ्रॉटल को एकदम से धीरे से घुमाना है, हल्का सा, और थोड़ा सा घुमाने के बाद जो है एक सर्टन पोर्शन पे आके हमें हैंडल को होल्ड करके रखना, थ्रॉटल को होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये बात हमें समझना है, हमें ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है ना तो बहुत ज़्यादा घटाना है। जब स्टार्टिंग में हम बाइक छोड़ रहे हैं तो हल्का सा थोड़ा सा घुमा के जो है हमें क्या करना है, एक सर्टन पोर्शन पे आके होल्ड करना है। और सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को जो बाइक है उसको आपको पहचानना है कि बाइक में जो है थ्रॉटल है किस तरह का थ्रॉटल इसमें है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक को एक बार स्टार्ट करें, बाइक को स्टार्ट करने के बाद आप दो चार बार ऐसे घुमा के आप उसको महसूस कर लो कि थ्रॉटल जो है कितना घुमाने पर कैसा आवाज़ बाइक में से आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स बाइक में से मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये करना है कि जब आप स्टार्टिंग में बाइक छोड़ रहे हो तो थ्रॉटल को एकदम से हल्का सा थोड़ा सा करके घुमा के एक पोर्शन पे आके उसको होल्ड करना है। तो चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करके बाइक को चलाते चलाते आप लोगों को समझाता हूँ तो किस तरीके से जो है न्यू राइडर थ्रॉटल को स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं और उसके बाद जो है थ्रॉटल को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो चलिए, तो ये देखिए मैं बाइक को स्टार्ट कर दिया, अभी जो है मैं क्लच दबा के फुल क्लच कर प्रेस करके बाइक को गियर में डाल दिया, एक नंबर गियर में डाल दिया। अभी जो है थ्रॉटल को आप देख सकते हो, थ्रॉटल के ऊपर नज़र डालिए, थ्रॉटल को एकदम हल्का सा घुमा के रखना है और एक पोर्शन पे आके उसको होल्ड करके रखना है, फिर जो है हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। देखिए गाड़ी आगे बढ़ रहा है, एकदम से होल्ड करके रखना है, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ही बस क्लच को प्रेस करके एक पोजीशन पे होल्ड करके रखा है, ठीक है। बाइक एकदम स्मूथली चल रहा है, अगर आप ऐसे 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 करोगे तो क्या होगा, बाइक में झटका देखने को मिलेगा और बाइक आपके कंट्रोल से जो है वो बाहर चला जाएगा। थोड़ा सा घुमा के आपको होल्ड करके रखना है और जब ज़रूरत पड़े कहीं पे रुकने की तब जब आपको थ्रॉटल को कम करना है एकदम से। सेकेंड जो प्रॉब्लम की मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पीड, क्यों मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड बाइक में पड़ जाता है, अगर थ्रॉटल को अगर आप इस तरीके से पकड़ोगे तो आप देख सकते हो मैं बाइक को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एकदम अचानक से जो है बाइक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसके वजह क्योंकि हमारा थ्रॉटल जो है बहुत ज़्यादा घूम जा रहा है। तो थ्रॉटल को इस तरीके से कभी भी इस तरीके हाथ ऊपर करके इस तरीके से मत पकड़ो, ठीक है, एकदम मिडिल पोजीशन में इस तरीके से पकड़ो तो जो है सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है न्यू राइडर को, कुछ लोग कहते हैं कि बाइक का स्पीड जो है वो एक सर्टन स्पीड के बाद वो थ्रॉटल और ज़्यादा घुमा नहीं पाते, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो है थ्रॉटल को एकदम नीचे इस तरीके से पकड़ते हैं। तो चलिए मैं इस तरीके से पकड़ के एक बार चला के दिखाता हूँ तो क्या दिक्कत होता है। तो ये देखिए कुछ इस पोर्शन के बाद जो है बाइक झटका खा रहा है क्योंकि बाइक का थ्रॉटल जो है और ज़्यादा मैं घुमा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थ्रॉटल को मैं बहुत ज़्यादा नीचे पकड़ा हूँ, तो ये दिक्कत है। तो और एक मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो न्यू राइडर करते हैं, वो क्या है कि थ्रॉटल को जो है बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं, बहुत ही कस के पकड़ते हैं। ये जो तरीका बहुत ही बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप कस के पकड़ोगे तो जो है कुछ देर बाद आपका जो हाथ है वो भी दुखने लगेगा और आप थ्रॉटल को जो है सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी बहुत ज़्यादा घूम जाएगा, कभी एकदम से जीरो हो जाएगा, गाड़ी आवाज़ करेगा। तो कभी भी कस के मत पकड़ो, पकड़ना है थ्रॉटल को एकदम हल्के से भी नहीं और बहुत ज़्यादा कस के भी नहीं, बस रिलैक्सली, जस्ट
जस्ट रिलैक्सली आपको थ्रॉटल को पकड़ना है और इस तरीके से जो है बेटर तरीके से थ्रॉटल को कंट्रोल कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते जो है एकदम से ये सब ऑटोमेटिकली हो जाने लगेगा। तो दोस्तों एक बार मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारा गाँव का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने कुछ ना कुछ जो है वीडियो से सीख पाए होंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।